सबके बारे में बताया जा चुका है आप लोगों को कि जिस सब से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे वर्ब कहते हैं। ये तो समझ में आ रही है। अब वर्ब के आपके कोर्स के अनुसार तीन इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से? ट्रांसलेटिव वर्ब, इंट्रांसलेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब इसको हमको समझना है कि ये क्या है। ट्रांसलेटिव वर्ब में हमने डिफिनेशन क्या दिया, ट्रांसलेटिव वर्ब रिक्वायर वन आर मोर ऑब्जेक्ट, यानी एक या उससे अधिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट समझते हो ना, सब्जेक्ट से क्या या किसको का सवाल करेंगे जो जवाब मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे दिया एग्जाम्पल में हमने दिया कि ही कट द केक, उसने केक काटा, ठीक है। तो किसने, क्या भाई, उसने क्या काटा, क्या सवाल करेंगे तो जो जवाब निकलेगा और जवाब रहेगा कि, ठीक है ना, केक ये ना है, हम कट पर कर रहे हैं तो जो जवाब निकलेगा और रहेगा वहां पर आंसर, तो उसे हम ट्रांसलेटिव वर्ब कहते हैं। इन ट्रांसलेटिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे दे रन, वे दौड़े, क्या हुआ, वे दौड़े, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, वर्ब दिया है केवल दौड़े। दौड़ना माने रन, माने दौड़ना होता है। दूसरा दे दिया है ही डाइड, वह मर गया, जो दिया है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है उसे इंट्रांसलेटिव वर्ब कहेंगे, जैसे क्या कहेंगे, इंट्रांसलेटिव वर्ब। और जहां ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, जैसे ये दूसरा वाला लेटर दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटिव वर्ब। जो चीज समझ में आई, तीसरा चीज अभी बताते